सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय एमसी की। वीरवार तक, शुक्रवार तक कितने लोग सुसमाचार सुनाने जाएंगे? चेला तो वही है जो सुसमाचार को फैलाए, लोगों को बताए कि तू भी आ प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। जाएंगे? चर्च भरा हुआ चाहिए हमें, यानी जगह ना रहे और ज्यादा जगह हमें लेनी पड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये हमारे सामने गवाही है, हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। गवाही सुनेंगे। पास्टर जी, इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बताने के लीवर डैमेज हो चुके थे काफी टाइम से। लीवर डैमेज हो चुका था। जैसे ताजपुर चर्च में प्रोफेसी का रिसीव किया नॉर्मल बॉड के साथ प्रेस सर्ज के। गवाही सुनेंगे जल्दी से। हेलो, मेरा नाम जगजीत सिंह है। मैं एक्समैन फौजी हाँ। तो मैं काफ़ी देर तो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा लीवर डैमेज हो चुका सीगा और खाने वाली नाली जी ये भी डैमेज हो गई ही। और ककड़ हॉस्पिटल मैं दाखिल होया सी, तो उत्थे मैं डॉक्टर ने जवाब दे दिता है कि तेरा लीवर जिहड़ा ठीक नहीं हो सकता, नवा पावांगे। तो मेरी मिसेज ने और मेरी सिस्टर ने इदा प्रेयर करवाई इतने, तो रात मैं जवाब देता कि तेरा लीवर सही नहीं हो सकता। पर फिर सुबह आके डॉक्टर ने खुद ही कहता कि तेरा उही लीवर जिहड़ा डैमेज होया सीगा, प्रेयर करो इन्होंने करवाई तो उही लीवर मेरा चल चुका सीगा, हुण सही सलाम चलता है। हालेलुया। कितने लोगों ने गवाही सुनी है, छोटी गवाही नहीं है। ब्रदर अपनी रिपोर्ट के साथ आए हैं और इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा था आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, चंगे नहीं हो सकते। ब्रदर ने, इनकी फैमिली ने विश्वास किया है ना ब्रदर, विश्वास किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का इस्तेमाल किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया है। आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आपके सामने खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुश हो रहे हैं गवाहियों में, खुद आपको आशीष दे। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे, इसके बाद हम लाइन में ही गवाहियों को सुनेंगे। लाइन में पहले हम गवाही लो एक। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 2 साल से ये वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं पा रहा था। जैसे इन्होंने पापा प्रोफेसी कर रहे थे, इन्होंने वर्ड्स को रिसीव किया और ये भाई बता रहे हैं वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सिस्टर की गवाही से सिस्टर जी, जय मसीह की। पापा जी ने जय मसीह की, सारी क्रिश्चियन जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, 2 साल मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। जब मैं पिछले संडे आई सी एप्पल मीटिंग के बच्चे, जब पापा जी बोल रहे थे ऑनलाइन से भी बोल रहे थे कि जो एप्पल खाएगा वो ब्लैसिंग उत्तर आएगी, मैंने इस ब्लैसिंग भी रिसीव किया। बहुत ही बड़ी गवाही के साथ आई, मेरा ब्रदर बहुत गवाही के साथ आया, मैं खुदा का
गवाही को सुना चर्च कि परमेश्वर के दास प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे थे कि जिनका वीजा नहीं लगा विश्वास करें, खुदा प्रोफेटिक वर्ड आज जो आपको दे रहा है विश्वास के साथ आप उसे खाएं, रिसीव करें। और सिस्टर ने अपने ब्रदर के लिए रिसीव किया जब प्रोफेटिक वर्ड को, आज वीजा के साथ ब्लेस हो चुके, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का धन्यवाद करें। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे गुड़िया की गवाही लेंगे, जल्दी से कार की आशीष मिली, जल्दी से गवाही लो। हालेलुया पास्टर जी, ये भाई बता रहे कि काफी टाइम से अपने खुद के कन्वेंस लेना चाहते थे, ले नहीं पा रहे थे। जैसे पापा ने प्रोफेसी की कि आप लोग गाड़ी के साथ ब्लेस हो रहे हो, इस भाई ने वर्ड्स को रिसीव किया। ये बता रहे कि 11 साल के बाद कार के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं काफ़ी टाइम से जॉब करता था और अपनी गाड़ी लेना चाह रहा था और मेरे पास में 11,000 रुपये भी नहीं थे, 1100 रुपये भी नहीं थे। मैं प्रॉफिट जी कह रहे थे मांगो और रिसीव करो, जो मांग रहे तुम्हें मिलने जा रहा है। और मैंने रिसीव करा, मेरे पे 11 रुपये नहीं थे, मैं परमेश्वर ने मुझे 11 लाख की गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। दिल्ली से आए हैं जी, आपको देख के लग रहा है आप नेपाल से आए हो हैं। वैसे पहाड़ी हूँ। पहाड़ी हो ना, तभी तो मैंने बोला। हालेलुया, ब्रदर ने बताया, परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे कि आप ब्लेसिंग को रिसीव करो, खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। नशे से आजाद हुए, गाड़ी की आशीष ली, मिराकल मनी के साथ ब्लेस हुए। कितने लोग चाहते हैं आज खुदा ऑनलाइन चर्च आपके घर में आपके परिवार में आज यीशु मसीह आए। जब कई को जब पता चला कि यीशु मसीह इस जगह से निकलने वाला है, जब कई पेड़ पर लटक गया, टहने के ऊपर लटक गया, क्योंकि वो नाटा था और वो देखना चाहता था कि आज मैं यीशु मसीह को देखूं। लेकिन यीशु मसीह अभी चला भी नहीं था, उसे पता चल गया कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आज कितने लोग चाहते हैं कि जब आप चर्च में आकर अभी गेट पर पैर रखे और यीशु मसीह पहले जान ले, ये बेटा आज ये मुझसे बात करने के लिए आया, ये बहन मुझसे ये बात करने के लिए आई है। यीशु ने पता क्या कहा, जब कई बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, वो अपने घमंड को साइड में रख के आया, अपनी मैं को साइड में रख के आया और नम्र होकर आया। जब आप यीशु के पास आते हो ना, नम्र बन के आओ, छोटा बन के आओ, और खुदा कहता है जो छोटा होकर आएगा वही बड़ा बनाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। और जो कहता है मैं अहंकार खुदा के राज्य में नहीं चलता, घमंड खुदा के राज्य में नहीं चलता। परमेश्वर के दास बार बार एक बात बोलते हैं कि घमंड ऐसी चीज़ है जिसके पाँव नहीं होते। कहो खुदा मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, मैं नम्र और दीन बन के खुदा तेरी सेवा करूं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा, मत्ती की पुस्तक में, धन्य वह जो नम्र है, जिनके मन दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वही जकई की तरह बोलो कि यीशु आपको बोले, मेरी बेटी आज मेरा तेरा घर में जाना अनिवार्य है, मेरे बेटे आज मेरा तेरे साथ रोटी खाना अनिवार्य है। ऐसे खुदा को कायल कर दो, खुदा खुद आज आपको बोले, बेटे मैं तेरे साथ तेरे घर में आकर रोटी खाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है, बहुत बड़ी बात है ये। गवाही लेंगे, गवाही बताएं, क्या गवाही है इनकी। हालेलुया पास्टर जी, ये बहन बता रहे कि काफी टाइम से बेबी बॉय की आशीष चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी। जैसे ताजपुर चर्च में आए अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, बता रहे बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे गवाही के लिए। नेक्स्ट गवाही लेंगे, नेक्स्ट 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 बताएं। हालेलुया, ये मैंने बता रही कि काफी टाइम से लोन पास करवाना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, प्रोफेसी को रिसीव किया, लोन की आशीष मिल चुकी है। हालेलुया, कितने लोगों ने अप्लाई किया, लोन हो नहीं रहा है, आपके सामने गवाही है। आज प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करना, खुदा आपको भी लोन की अप्रूव्ड की, यानी कॉल आएगी, बेटे आपका लोन आके ले लो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बहन बता रहे कि अपने बेटे के लिए जॉब की आशीष चाहते थे, मिल नहीं पा रही थी, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए चर्च, ये गवाहियां आपके जीवन में भी आपके लिए जरूरत है। नेक्स्ट। हालेलुया, और ये भाई बता रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, इनके घर की रजिस्ट्री हो चुकी है प्रोफेसी को रिसीव करने से, और
और ये भाई बता रहे इन्होंने स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, आपने स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, और जब परमेश्वर के दास से हाँ गवाही देंगे, ब्रदर गवाही देंगे यहीं पे। हाँ जी, हालेलुया। सब कलीसिया को जय मसीह दी, पापा जी को जय मसीह दी, सपना जी को जय मसीह दी। मेरा ब्रदर इन लॉ स्वीडन तो फैमिली आई सी 10 तरीक नू, इत्थे गवाही भी दित्ती उन्होंने। फिर 12 तरीक नू अपॉइंटमेंट ली पापा जी को, चंडीगढ़ गए असी, उन्होंने उन्होंने घर के 13-14 साल तो पेपर नहीं बन रहे थे, एक ब्रदर उन्होंने पेपर एफीडेविट नहीं दे रहा है। पापा जी ने कहा गुड न्यूज़ मिल जा रही है, 1 अगस्त को उन्होंने घर की रजिस्ट्री हो चुकी है। मेरा बेटा मलेशिया दे विच है, उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम सी, पापा जी ने रुमाल रख के उसकी फोटो से प्रेयर की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है। मेरी बेटी दुबई में है, उन्होंने प्रैगनेंसी नहीं हो रही, 2 साल तो शादी हो चुकी है, हूँ 1.5 महीने तो प्रैगनेंट है, और सिंपल ब्लैडिंग हो रही सी, वो ऑयल लगा के डॉक्टर के कोल गई, डॉक्टर बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब भी मीटिंग हुई मैंने 5 रुपए का सिक्का मिलया, लेकिन वो 5 करोड़ के बराबर सी, लखा दे नाल मिरेकल मनी हुई है। आमीन, कितने खुश हो रहे हैं। लाइन में गवाही दी ब्रदर ने कि फॉरेन से इनकी फैमिली आई परमेश्वर के दास से स्पेशल, जब मीटिंग की चंडीगढ़ में आए अपॉइंटमेंट की, तो उनका कोई फैमिली मेंबर था, कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दे नहीं रहे थे, जिससे घर की रजिस्ट्री होती है। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस व्यक्ति ने वो पेपर दिया और रजिस्ट्री हो गई। सेकेंड ब्रदर बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में खुदा ने काम किया, जब कॉइन को लेकर यहाँ से गए, खुदा ने गवाहियों को बनाया यीशु मसीह के नाम में। बेटी उसे कंसीव नहीं हो रहा था, दुबई में है, विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने कहा आज 1 मंथ से वो प्रेग्नेंट है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इस गवाही के लिए, खुदा का धन्यवाद करेंगे। नेक्स्ट गवाही लेंगे आगे, नेक्स्ट। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो बिल्कुल डेड हो चुका था, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, जो बेटा डेड हो चुका था जिंदा हो चुका है। ब्रदर बता रहे कि छत से गिर गए थे, बस बेटे, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। सबको जय मसीह की, सपना पंडित जी की जय मसीह की। हमारी गवाही ये है, मैं लुधियाना से आया हूँ, मैं उस समय प्रभु को मैं मानता नहीं था, छत से गिर गया। मानते हैं आप? हो गया 8-9 महीना, हो ही भी गया। ओके। मैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मेरे पास के बात नहीं है, कागज पर लिखा पढ़ी करा दिया था कि भाई बचेगा तो तेरा आ जाएगा, तो मेरा मैं बोला कोई बात नहीं करो, लेकिन मैं बोलता है अब जिस भगवान के मानते उसको मानो, मैंने बोला किसी को तो मानता नहीं हूँ चलो, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि हमारे लड़के का 2 घंटे के बाद होश भी आ गया, छत से गिर गया था, एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, वो बिल्कुल चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट सिस्टर बता रही है, 12 साल से इनकी जमीन जो कब्जे में थी, एनॉइंटिंग वर्ड प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, 12 साल से जो जमीन कब्जे में थी फ्री हो चुकी है वो जमीन यीशु मसीह के नाम में। बहुत गवाहियां चर्च, बहुत गवाहियां, लाइन लगी हुई है लोगों की, इतनी गवाहियां हैं, आज विश्वास करें, बोलो खुदा आज मेरे घर में भी गवाहियां आई यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई को काफी टाइम से फिट्स की प्रॉब्लम थी, जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, फिट्स की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। यस, हालेलुया। ये भाई बता रहे कि उनको 32 साल से नशा करते थे, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन भी 12 साल से नशा करते थे, इनके ब्रदर वो भी नशे से आजाद हो चुके हैं, और इनको बेबी गर्ल की आशीष मिली है, प्लस दुबई के वीजे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। प्रोफेसर की गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे सिस्टर की। हाँ जी, मेरी बेटी जय मसीह दी, पास्टर सपना नु जय मसीह दी, पापा जी नु जय मसीह दी। मेरी बेटी नु 5 साल शादी नु हो गए सिगे, ओदे बेबी बॉय कोई नहीं हो रहा सी, वाटर ऑयल लिया, बीज बोया, फिर मेरी बेटी को बेटी हुई है। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो, मेरे बजे बेटे तो मंगना नहीं हुंदा सी, मैं आंदी सम भी असी मसीह वाले घर पालने ने, ते लब गया वधिया घर मैनू, ते मैं पहली बार अगे आई हाँ बलजिंदर पास्टर दे, ते मेरे 2 गवाहियां बन गई ने, ते अगे परिवार आंदा रहे, 3 महीने हो गए, एक मेरी नूंह दी वाली खड़ीची है, ते सोने दी करे लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरा निक्का मुंडा लड़दा सी, ते वो कोई आया तो चाकल गया, 7वें महीने लभी है, तो मैं आवना सी गुआई अगे वहीं पहला नेचर रख,
मेरी वाली दूजे दिन ला पी करे गई। वेरी गुड, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। ये बता रहे हैं घर में प्रॉब्लम हो गई थी और इनका गोल्ड भी गुम हो गया था। नेचर रखना यानी खुदा के ऊपर मैंने विश्वास रखा, ये पंजाबी का वर्ड है। तो इन्होंने प्रार्थना विश्वास से रिसीव की और परमेश्वर ने इनके बच्चे की शादी भी मसीह घर में हुई, मसीह बहू चाहिए थी और वैसा ही हुआ। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही है कि आप मिनिशा आप दो गवाही दो। हालेलुया, पास्टर जी इस बहन की गवाही है कि काफी टाइम से अपने खुद के घर की आशीष चाहते थे, मिल नहीं पा रहा था, प्रोफेसी को रिसीव किया, घर के सब ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ये बहन भी बता रही काफी टाइम से प्लॉट की आशीष चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था, प्रोफेटिंग वर्ड्स रिसीव करने से प्लॉट की आशीष मिल चुकी है। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया और बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं कि इनका बेटा नशा करता था 15 साल से, सॉरी इनका भाई नशा करता था 15 साल से, अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया और बता रहे कि नशे से आजाद हो चुके हैं। तालियां बजाएं चर्च, तालियां बजाएं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में भी गाएंगे ना। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आपको आराधना टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे आराधना ही जय है, आराधना में छुटकारा है, आपके बंधनों को आराधना तोड़ती है। इसीलिए आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में इनविटेशन दिया जाता है, संडे घरों से निकलकर आएं और खुदा की हजूरी में आके वर्शिप करें। जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे वो खुदा देने में सामर्थ्य है, लेकिन आप कितना मांगने में सामर्थ्य है। खुदा मैं लेकर रहूंगा अपनी आशीष को यीशु मसीह के नाम में, उनको खुदा देता है। सिस्टर ने बोला ना मैं नेचर रख के आया, मैं विश्वास किया कि खुदा के दास ने बोला है कि अगर आपका गोल्ड खूब हो गया तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आज खुदा कह रहा है आपका कुछ खो गया है, खुशी खो गई है, दुख है, कोई प्रॉब्लम है, खुदा कह रहा है मैं आनंद की भरपूरी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। गवाही सुनिए। हालेलुया। पास्टर जी ये भाई बता रहे कि 3 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, ये भाई पाइल्स की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे कि काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, प्रोफेसर को रिसीव किया, जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं कि इनका बेटा गुम गया था। जय मसीह सिस्टर, जय मसीह पापा जी को। मेरा भाई का पासपोर्ट 1 साल से गुम हो गया था, जब भी आया जब अंदर चर्च में यहाँ पे पैर रखते ही उसको कॉल आया कि तेरा पासपोर्ट घर पे आ गया है। यहाँ से गया उसके कुछ दिन के बाद उसको वीजा भी आ गया, चला भी गया। सिस्टर बता रही हैं काफी दिन से पासपोर्ट अप्लाई किया था, आ नहीं रहा था, जैसे ही कहते हमने ताजपुर चर्च के अंदर कदम रखा हमें कॉल आ गया कि आपका पासपोर्ट आ गया। 10 दिन के बाद वीजा अप्लाई किया, 10 दिन में वीजा के साथ भी ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हालेलुया महिमा हो तेरी। तालियां बजाएं चर्च, खुदा की महिमा करें। जीसस। गवाही सुनेंगे जल्दी से क्या। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे हैं कि इनके चाचा को लकवे की प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया ये लकवे की प्रॉब्लम से इनके चाचा आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आपको प्रॉब्लम थी? हमारे चाचा को। अच्छा, आप उनकी गवाही देने के लिए आए हैं। ओके, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए और वो आजाद हो गए। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही पे जाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन बता रहे कि इनके पास 15 साल से कोई भी बेबी की आशीष नहीं थी,
जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेके गए और यूज किया, ये बता रहे हैं बेबी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। कितने को विश्वास है, अभी परमेश्वर के दास ने आते ही एक वचन बोला कि हन्ना परमेश्वर की हजूरी में गई और उसने आराधना की, जम के आराधना की। वो इतना परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गई कि जो वहां पर पास्टर था, पास्टर एली ने बोला क्या तू पी कर आई है। आज आपकी लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम है, आपने जो आराधना की है, परमेश्वर आपको भी हन्ना की तरह, सिस्टर ने बताया 15 साल से बेबी नहीं था, विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया, आज बच्चे के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। बिना देवल है यहोवा, बिना देवल है यहोवा। गवाही सुनेंगे, सिस्टर के पैरों में पेन होता था, विश्वास किया और आपने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया और आप चंगी हो गई हैं। आज परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। विश्वास करें चर्च, अगर ऐसा कोई पेशेंट ऑनलाइन चर्च में है, आपके भी पैरों में दर्द है, विश्वास करके अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर देखे। मैं बार बार इसीलिए अनाउंस करती हूँ कि जब आप परमेश्वर के भवन में आए तो अपने साथ अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को जरूर लेकर जाएं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो आप अंजीर की टिकिया भी लेकर जा सकते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमारे मिनिस्ट्री का एक क्वेरी नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो अपने लिए अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घरों तक पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग खुश हैं? ये समय अब वचन का समय है कि जब परमेश्वर के दास आए और आपके लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे तो कहना खुदा आज वो बीज मेरे जीवन में पत्तों को लेकर आए, फलों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे आज? कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर आज तेरे दास के द्वारा जो प्रोफेटिक वर्ड बोले जाए ऑनलाइन चर्च, विश्वास करना आज परमेश्वर के दास जो वचन आपको देंगे, वही वचन आपकी लाइफ में तलवार का काम करने वाले हैं। आप उसी वचन से जय को पाएंगे, उसी वचन से चंगाई को पाएंगे, उसी वचन से अपने कामों को खुलवा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आपका वचन, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपके उपवास, आपका संडे चर्च आना, अगर ये काम आपने अपनी लाइफ में रोज करने शुरू किए हैं, खुदा कह रहा है कोई कितना ज्यादा जोर लगा ले आपके आशीष को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा, वो आपके घरों में, आपके परिवार में पहुंच कर ही रहेगी आशीष यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है क्या गवाही है? गवाही हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, बता रहे कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास आज आपके जीवन में काम करेंगे वचन के द्वारा। यस। गवाही सुनेंगे सिस्टर। हालेलुया। जय मसीह की। कलेशिया के लोग जय मसीह की, और बहन जी जय मसीह की, और पास्टर जी जय मसीह की, बाबा जी जय मसीह की। और हम बिहार से आए हैं और हम की ओ कलेशिया में नहीं जान पाए बहन जी, और हम बिहार से आए, वो पट्टी में रहे हम दो, आपने रिश्तेदार के साथ रहे 2 महीने से कलेशिया में आए हैं, वो 100% हमको है पर से, वो 25 साल से हम तंग तबा है दवा खाने खाते। अभी हमारे पति 2020 में पार्लेस से खत्म हो गया, वो भी आए हैं साथ में, अभी बच्चे भी आए हैं साथ में, और हम जिस दिन से आए अपनी गवाही लेकर के हम आए हैं, और हमारे साथ में हमारा पति है, बच्चे हैं। अब हम गवाही देते हैं 100% से हम आए हैं, जो बाबा ने ले 100% किए हैं, प्रार्थना किए हैं और स्पेशल बीज बोए हैं, तो हम भी चंगाई हो गया है, दवा से छुटकारा मिल गया है, 1 महीने से हम दवा नहीं खा चुके हैं और हम भी ठीक है, और हमारे पति साथ में है, वो भी पार्लेस से है, वो थोड़ा दूर तेल रिसीव किया तो वो भी थोड़ा दूर लाठी छोड़ के भूलने लगा। सिस्टर को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, स्पेशल ले हैंड करवाई में चंगी हो गई, हस्बैंड को पैरालाइज था लेकिन घर में बैठे हुए प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, ऑयल लगाया,
है अब वो थोड़ा चलना शुरू हो चुके हैं। जोर से तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु आपके साथ है? ऑनलाइन चर्च आप भी कहें सिस्टर की गवाही लेंगे, सिस्टर की बड़ी गवाही। यस हालेलुया। पास्टर जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। जो बैंड बता रही है कि 6 साल से इस बैंड के पास कोई बेबी नहीं था, जैसे ये ताजपुर चर्च में आए और इन्हें स्पेशल ले और प्रे करवाई, ये 6 साल के बाद बेबी बुआ के साथ प्लस हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई सुनेंगे भाई की। पास्टर सपना जी ने जय मसीह दी, प्रॉफिट जी ने जय मसीह दी। साड़ी अगुवाई बहुत बड़ी है परमेश्वर ने बनाई कि मेरे बेटे दे कोई बच्चा नहीं सका। 6 साल मैरिज नु होए सके। 6 साल तो बाद पहला असीं इत्थे चर्च दे विच आए सी, स्पैशल ले हैंड प्रे कराई सी, तो उस ते बाद दे विच भाई बेटे दे ब्लैस हुआ। हुण इसका नाम भी आशीष रखा आ। तो उस बाद जिस टाइम कोई 7-8 महीने बेच बेटा सेगा, तो प्रॉपर्ट जी ने प्रवैसी की सी, कहिंदे नाम लैके मनप्रीत, कहिंदे टेंशन नहीं लैनी, बेटा बिल्कुल सही होगा, सलामत होगा। आमीन। ब्रदर ने बताया काफ़ी सालों से इनकी गुड़िया के पास बच्चा नहीं था, विश्वास करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के दास से स्पेशल मिले, ले हैंड करवाई और परमेश्वर ने इनकी बेटी को गर्भ की आशीष दी। बहू है आपकी, बहू को, इनकी बहू को गर्भ की आशीष दी। एक दिन ये थोड़ी डिप्रेशन में थी और टेंशन ले रही थी कि क्या होगा। परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में कहा, मनप्रीत तू चिंता ना कर, बच्चा बिल्कुल सही है। यदि आप यहोवा को पुकार रहे हैं, अपनी नज़रें भजन संहिता 121 के अनुसार खुदा की ओर लगाई हैं, खुदा ने सुना, अपने दास के द्वारा बोला, बेटे मनप्रीत मत डर, तेरा बच्चा बिल्कुल सही है। आज आपके सामने बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इस गवाही के लिए, जोर से। गवाही लेंगे। हालेलुया। पास्टर जी ये माँ बता रहे हैं कि इनकी बेटी ने 5 रुपए का जो सिक्का है वो निगल लिया था और डॉक्टर्स ने ऑपरेट बता दिया था, लेकिन जैसे ये विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेके गए, बेटी को दिया और जो सिक्का था वो पेट में से गायब हो चुका है, ऑपरेट कैंसिल हो चुका है। सारे नु जय मसीह दी। असीं गंगन तो गंगा नगर तो आए हाँ। इस बेटी ने 5 रुपये का सिक्का निकल लिया सी, तो साढ़े को घरे तेल पिया सी, वाटर ऑयल, वो इसन दिया, इसने पिया खाया तो 5 रुपये का सिक्का गायब हो गया। हालेलुया। पास जी ये भाई बता रहे कि इनके बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और नॉन्टिंग ऑयल वाटर यूज किया, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो चुका है। हालेलुया। हेलो सारे नु जय मसीह दी, प्रोफेट जी नु जय मसीह दी, सारी कलीसिया नु जय मसीह दी। मेरे मुंडे नु साह दी प्रॉब्लम हो सी, डॉक्टरां ने जवाब देता हैगा, कहिंदे बच्चा जाने के बच नहीं सकदा, असी तेरे पैसे उदे लगणगे वे तू दाखल ना कर इनू। मैं कहा इदां करो तुसीं दाखल कर दिओ, जे मरना तो उदां ही हैगा, जे बचदे तां परमेश्वर हैगा साडा बचा लूगा। जदों इनू दाखल कीता थोड़ा टाइम 1 घंटा होया, 1 घंटे के बाद ही फर्क पै गया। जदों मुड़ के जदों संडे आ जड़ा, अगले संडे गया जड़ा, अगले संडे से शनिवार रात नू है ना, मुड़ के जाने के बच्चा उदा ही हो गया, साह उदा ही लैन लग गया। फिर मैं सोचा, मैं क्या प्रभु, मैं क्या दवाई में दवाई आराम नहीं आया। मैं इतने रात को 2 बजे है ना, रात को उठ के प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की। जो प्रोफेट बजिंदर सिंह जी है ना,
जाने कि मेरे इतने सामने आके खड़े हो गए, वो कहते कहते पुत जाने कि तू डरना तेरा बच्चा ठीक हो जाऊगा, तू ताज पर चर्च आ जा। जो मैं ताज पर चर्च आया ना बगैर दवाई तू बच्चा मेरा चंगा हो गया है, दाखला लगता भी नहीं। सुन रहे हैं आप चर्च, यदि आप अपने घर में आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा ऐसे जवाब देने वाला गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। ये गुड़िया की गवाही में ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। ये देखो ये एक्सरे में ना ये रहा सिक्का, 5 रुपए का, आप देख सकते हैं ये जहां मैंने थंब प्रिंट रखा, इसकी फोटो जरूर उतारना। ये रहा सिक्का, जब इन्होंने ऑयल लगाया बच्ची को विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर दिया, नेक्स्ट टाइम जब एक्सरा करवाया वो सिक्का यहाँ से गायब हो चुका है, यानी परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है विश्वास करने से। विश्वास है खुदा आज आपसे बात करेगा। आज जब परमेश्वर के दास आए आपसे जो भी कहें उस बात को क्या करना है, मनन करना, विश्वास करना, लिखना है अपनी डायरी के ऊपर कि जो परमेश्वर आज तू चाहता है मेरे जीवन में मुझे बता। उठाएं हाथों को, हम प्रार्थना करें। खुदा आज जब तेरा दास आए खुदा इस वेदी के ऊपर परमेश्वर वचन की खुराक को लेकर आए तो परमेश्वर मेरे मांगने से पहले तू जानता है मुझे किस चीज की जरूरत है। उठाएं उठाएं परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाएं। बोला आपने ढीले हाथों को दृढ़ कर ले, खुदा ने कहा है जो दृढ़ करेंगे आज हाथों को परमेश्वर उन्हीं की लाइफ में गवाहियों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार हैं, आज तैयार रहें, मांगे परमेश्वर से हाथों को उठा के, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। और तैयारी करें, परमेश्वर मेरे लिए कुछ तो बेस्ट होने के लिए जा रहा है, कुछ नया होने के लिए जा रहा है, कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है। प्रार्थना मेरे, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं, तैयारी करें। बोलो मेरे लिए खुदा अपने दास के द्वारा आज बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हिलाओ हिलाओ बैठे हुए हाथों को, बोलो खुदा मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा, आज वचन सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा, वचन सुनते सुनते कर्जा खत्म हो जाएगा, वचन सुनते सुनते मेरी हार्ट की प्रॉब्लम चली जाएगी, वचन सुनते सुनते मेरा घराना आशीषित हो जाएगा, वचन सुनते सुनते गर्व की आशीष खुलेगी। लेकिन उसके लिए जो आज विश्वास करेगा कि परमेश्वर के दास खुदा की ओर से जो बोलेंगे वो हो चुका है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हिलाएं हाथों को और मांगे परमेश्वर से कि खुदा मेरे लिए बोल और बातचीत कर, आज का वचन मुझे जिंदा करे, आज का वचन मुझे चंगा करे, मेरे जीवन से बंधनों को तोड़ दे, हर एक श्राप मुझे छोड़ के जाए, हर एक बुराई मुझे छोड़ के जाए। खुदा जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना यीशु मसीह के नाम में। बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तब खुदा आपके लिए करेगा। उठाओ हाथों को, आपने फिर हाथ नीचे नहीं करने, हाथों को दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो, आज विश्वास करो मेरे लिए खुदा, मेरे हाथों को जो मैं उठा रहा हूँ खुदा तू देख, मेरा यहाँ बैठना देख खुदा, और अपने नबी के द्वारा मुझे पुकार, आज सच में वचन आपसे बातचीत करेगा, आपको बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। उठाएं और मांगे, क्योंकि खुदा आज के वचन से आपको नया करने के लिए जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है, आपकी अवस्था को बदलने के लिए जा रहा है। खुदा कह रहा है आज मैं सब कुछ नया कर दूंगा, पुराना कुछ ना रहेगा। आज आपकी कह दो खुदा, आज नया दाखरस हमारी मशकों में आ जाए, मुझे आदर का बर्तन बना खुदा। बहुत दिनों से मैंने गलती गुनाह किए और मैं निरादर का बर्तन बन गया, लेकिन तेरा नबी खुदा आज जब वचन को लेकर आए तो मुझे एक योग्य और आदर का बर्तन बना दे। बोलना पड़ता है खुदा को, बोलना पड़ता है परमेश्वर को, तब परमेश्वर बात करता है अपने नबी के द्वारा। कितने चाहते हैं आदर के योग्य बर्तन बने, जो आपसे मिले वो कहे नहीं ये बर्तन बहुत सुंदर है, क्योंकि वचन के अंदर लिखा कि आदर का बर्तन अच्छी मेज पे रखा जाता है। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तब आप सुंदर बर्तन को निकालते हो। हालेलुया, सब निकालते हैं। आज प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे भी मेरे सामने मेज बिछा, मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछा, जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, परमेश्वर आज तेरे दास के वचन के द्वारा, उस खुराक के द्वारा। हाथों को उठाएं चर्च, हाथों को उठाएं, अब थकना नहीं है, थकना नहीं है, यही समय है। यस 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 यस, खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा। उठाएं उठाएं उठाएं, यस, आज वचन के वो पंख आपको खुदा लगाएगा, आशीष के पंख खुदा आपको लगाएगा। बोलो खुदा मुझे आज नया बना दे, बिजनेस को नया कर दे, परिवार को नया कर दे, परिस्थितियों को नया कर दे। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। खुदा कहता है मैं तेरी मुंह की प्रार्थना को सुनना चाहता हूँ। सुनाए परमेश्वर को क्या चाहिए, जो चाहिए बताओ खुदा को, मुझे ये चाहिए खुदा। तेरा दास जब आज हीलिंग करे प्रभु, तेरी आग मेरे ऊपर उतरे और इंस्टेंट गवाही देकर मैं यहाँ से जाऊँ। बोलना पड़ता है, बोलो 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 बोलो। खुदा आज तू मेरा यहाँ बैठना ग्रहण कर, वचन सुनना ग्रहण कर। जब तेरे दास वेदी पर आए उनके चेहरे से वो रोशनी मेरे ऊपर उतार, वो प्रकाश मेरे ऊपर उतार, मेरे घर पे, मेरे बिजनेस पे उतार। परमेश्वर बोले बोले बोले, हाथों को उठाकर बोले, तैयारी करो क्योंकि खुदा बोलने वाला आज, कुछ नया करने वाला आपके लिए।
घर जाके किसी को फोन आएगा, किसी को चर्च में ही फोन आएगा, कुछ लोग संडे गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ ढीले नहीं करने, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो। खुदा बोल रहा है, आज मैं आ रहा हूँ कुछ नया करने के लिए, सब बदलने के लिए, आशीषों को देने के लिए, नया मस्सा देने के लिए, नया मन्ना देने के लिए, नई चंगाइयां देने के लिए, नई बरकतें देने के लिए। तुम्हारे बीच में वो स्वर्ग का राजकुमार आज उतर चुका है यीशु मसीह के नाम में, और अपने नबी के साथ वो यहाँ पर आपके जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने तैयार है वो तालियां बजा सकते हैं कि मैं तैयार हूँ आज खुदा, तेरे दास जब आए मैं तैयार हूँ खुदा, वचन को खाने के लिए तैयार हूँ, आशीष को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ खुदा। और विश्वास करें खुदा हमारे बीच में है, और परमेश्वर के दास के साथ खुदा चलता आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, चलता आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तालियां बजाएं और स्वागत करें परमेश्वर के दास का। ये सब प्रभु का धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? जितने वचन सुनने के लिए तैयार हैं वो राजा का खाना खिलाएगा उन्हें परमेश्वर। आमीन। खाना खाएंगे आप? यस। राजा का खाना। यस। भिखारी का खाना कोई नहीं खाना चाहता, सब राजा की तरह खाना खाना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? यस। तो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आइए आंख बंद करें सब, और जिस में 2 सेकंड के लिए परमेश्वर से मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से इस समय? जब मांगा जाता है, जब प्रॉफिट बोल रहा हो, इस समय प्रेजेंस है यहाँ पर, एंजल आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ लोगों को। आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? शाबाश, मांगो आज, पवित्र आत्मा को बताओ आज। मांग लिया जिसने, ऊपर की ओर स्माइल दो आज, बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। हालेलुया, जो मैंने मांगा मिल गया है। क्या ये विश्वास है आपका? यस। आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनना एक और ध्यान से, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, प्रभु ने मेरे को कहा अभी के जो लोग चाहते हैं, जिसके ऊपर कर्जा है बहुत सारा, देखो कर्जा उतरता कैसे है पैसे से, और मैं कैसे उतरवा रहा हूँ, कैसे जो प्रार्थना से नहीं उतरवा रहा हूँ, पैसे से ही उतरवा रहा हूँ। yes. कैसे उतरवाऊंगा कर्जा? पैसे से। yes. क्योंकि वचन बोलता है जो कोई बोएगा वो ही काटेगा। आमीन। yes, अपने पड़ोसी ने को जितना बोएगा उतना कटेगा। yes. पंजाबी में गुस्से में बोलो, जितना बोएंगी उतना कटेंगी। जितना तुम अपने घरे बोलते हो, बाहर बोलते हो, अपने पड़ोसियों बोलते हो, अपनी कुड़ी बोलते हो, अपनी बहू ने बोलते हो, जिदा नहीं बोएंगी उदा नहीं कट्टेंगी। पता है तेनू प्रॉफिट ने प्रचार किया सीगा, ना दे मैंने पानी, ना दे मैनू रोटी, तेरे नाल भी इंज होना जब बुढ़ापे च, कहते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? yes. अरे कहते हैं कि नहीं? yes. तो जो आज के दिन नहीं बो रहा तो उसको भी कहाँ से देगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे जो बोएगा वो ही काटेगा। yes, amen. आज एक बेस्ट बीज, एक बड़ा नोट अपने हाथ में पकड़ लो, जिसको मेरी बात पर विश्वास है वो अमीर हो जाऊं, जिसको नहीं है वो गरीब हो जाऊं। yes. आप कह रहे होंगे मेरे पास है ही नहीं, आपके पास हो सकता है आपकी जेब में 10 का नोट बड़ा हो। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं। yes. परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ये बेस्ट बीज आज अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इन्होंने बोया है परमेश्वर ऑनलाइन चर्च वालों ने, लेकिन प्रभु जो आज बेस्ट भेंट ऑनलाइन
सच में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के क्यूआर कोड में आई से बैंक में डाल रहे हैं। परमेश्वर मैं इनके लिए स्वर्ग से चाहता हूं कि तू आज पिता सबसे बड़ी गवाही इनकी बना यीशु मसीह के नाम में, सबसे बेस्ट कारोबार इनका होने पाए यीशु मसीह के नाम में, सबसे बेस्ट बिजनेस इनका होने पाए। आमीन। जो तेरे दास की बात को सुनकर मान रहे हैं, जकरिया बात को सुनकर मान नहीं रहा था, उसकी आशीष गूंगी हो गई। परमेश्वर अगर ये मान रहे हैं कि प्रॉफिट ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैं आज चेक करूंगा जो बेस्ट बीज बो रहा है, परमेश्वर उन्हें आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उन्हें ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बेस्ट सरकारी नौकरी इनके आने पाए यीशु के नाम में, सबसे बेस्ट देश कंट्री का वीजा इनका लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। एक आदमी मुझे 60,000 की नौकरी दे रहा था मलेशिया के अंदर, क्या मुझे जाना चाहिए था वहां पर? आज से 7 साल पहले क्या मुझे जाना चाहिए था? अब तो आप मेरे साथ हैं, लेकिन पहले वाले लोग कहते जाओ ना पादरी साहब, जाओ जाओ जल्दी जाओ, आप हमारा दिमाग बहुत खाते हो, क्योंकि 10 ही लोग थे मेरे चर्च में। बोला हालेलुया। लेकिन मैंने उनको कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को बेस्ट देता हूं, बेस्ट टाइम देता हूं, बेस्ट अपना सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। yes. तो परमेश्वर मेरे लिए इतनी छोटी कंट्री नहीं रखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो आप? अगर आप बेस्ट करते हो परमेश्वर के लिए और कोई आपके सामने ऑफर आ जाए और आप खुश हो जाते हो कि ये मेरे लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए 30% है, किसी के लिए 60% है, इसाक के लिए 100 गुना था। हालेलुया। yes, हालेलुया। आपके लिए 100% सबसे बेस्ट आशीष, बेस्ट देश, बेस्ट वीजा, बेस्ट जॉब, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट चीजें आज से मिलना स्टार्ट होंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने खुदाबंद रिसीव कर रहे हैं ब्लेस कर आज। आमीन। जितने अपने हाथों में पकड़ा है परमेश्वर इन्हें ब्लेस करा आज यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जो वॉलंटियरों के हाथों में बीज बोकर जा रहे हैं, ये बेस्ट बीज आपने बोना है, हाथों में नहीं, जो अब आपके पास आएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो बो रहे हैं मेरे कहने से, क्योंकि ये बात प्रभु की ओर से थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हिस्से का बोधे सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज ये तेरी दया वाले हाथ के नीचे आने पाए, आज तेरे छाए वाले हाथ के नीचे आने पाए। पवित्र आत्मा ये गर्मी से बचाए जाएं, सर्दी से बचाए जाएं परमेश्वर, बीमारियों से बचाए जाएं, कर्जे से, नुकसान से, हर जादू टोने से बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये तेरा भय मानने वाले लोग हैं परमेश्वर, इनका छुटकारा कर आज यीशु मसीह के नाम में, अपने वचन से आज इनका छुटकारा कर परमेश्वर, इन्हें नई जिंदगी दे परमेश्वर। आमीन। इन्हें के लिए नई नई आशीषें खोल दे पवित्र आत्मा। आमीन। मेरे कहने से खोल दे आज। यस। यीशु के नाम में। आमीन। खुल जाए हर एक आशीष। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हो आप तो सुनो। आपको मसाला दे, थोड़ा मसाला चाहिए, सब्जी स्वाद नहीं लगती बिना मसाले के, तो वचन का प्रचार भी स्वाद नहीं लगता बिना मसाले के। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मसाला डाल के खाएंगे। बोलो हालेलुया। वचन आपकी जिंदगियों में काम करता है। सुनो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ सुनो, इसके साथ ये इधर आओ फटाफट दौड़ कर, इस सरदार जी के साथ, इसके साथ कौन है, कौन इस, हाँ इनके साथ व्हील चेयर पर हैं, इधर देखो फटाफट दौड़ के जाओ पास्टर धर्मेंद्र। हाँ हाँ मसाला मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। उत्तर देता है, आशीष देता है। हाँ हाँ जाओ।
ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बैठ जाओ वहीं पर अपने, छोड़ो इसी समय। आपसे पूछ रहा हूँ कौन आया इसके साथ, जल्दबाजी ना करो, माइंड को खोलो अपने। हाँ हाँ, माइक लेके चल उधर। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, कौन है? हाँ लेडीज, लेडीज माइक। हाँ सुनो सुनो, वाइफ हो, वाइफ हो। हाँ जी, कब से बीमार है ये? 2019 से। क्या बोल रहा डॉक्टर? पहले इसको पैरालाइज हुआ था, अभी मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या बोल रहा डॉक्टर? अभी ब्रेन में क्लॉट बना हुआ एक साल तक। जब ब्रेन में क्लॉट बनता है तभी पैरालाइज होता है, ठीक है? आपके साथ, आपके साथ है वो पीछे खड़ी है। सुनो बेटे, कहाँ से आए आप? मैं मोहाली से हूँ, मम्मी पापा लुधियाने रहते हैं, मैं मोहाली जॉब। हाँ सुनो सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, ऐसे मैं अपनी स्प्रिट में देख रहा हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके घर के खिलाफ हो रखे हैं। आप जो भी काम करते हो फेल हो जाते हो, आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि मैं तीन तरीके के जादू टोने आपकी फैमिलियों पर देख रहा हूँ। खून के छींटे मैंने आपकी फैमिलियों में देखे, ब्लड दीवारों पर, फर्श पर, चुन्नियाँ आपकी, चुन्नियाँ आपके अंडर गारमेंट्स गुम हो जाते थे, जैसे अंदर की कपड़े गायब हो जाते थे। और आपके घर में से किसी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार बार जाने की कोशिश किया, लेकिन दो बार तीन बार रिफ्यूजल हो गया। हाँ जी, पांच बार रिफ्यूजल हो गया। हालेलुया। कहां पर जाना चाहते थे आप? कनाडा। आप कनाडा जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, आपने बड़ी ट्राई किया। मनजीत कौन है? मनदीप, मनजीत, मनप्रीत। मनप्रीत मेरा नाम है। हालेलुया। जिसको छू लूंगा कभी तेरी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है बहन, परमेश्वर तेरा फेवर कर रहा है, तेरे कारण इस फैमिली पर दया होगी। तू रोती रहती है, अपने बाप से प्यार करती है और बार बार टूट जाती है तू बार बार कि मैं अब क्या करूं परमेश्वर, मैं ही कमाने वाली, मैं ही करने वाली, मैं ध्यान करने वाली थी इसकी तरफ, कोई नहीं देख रहा तेरे मम्मी डैडी की तरफ। सही कह रहा हूँ? आपकी फैमिलियों की तरफ कोई देख नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके रोने को परमेश्वर ने देखा है। मैं से आप जिससे आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक एंजल आकर मुझे बोल रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे डैडी से प्यार करता हूँ, तेरे से प्यार करता हूँ। अगर आप यहाँ आते प्रॉब्लम बड़ी होने वाली थी। परमेश्वर अभी ओए सिर्फ दो को दिखा, मुंह दिखा दो का, सिर्फ बांदर सा कैमरे वाला। सुनो मैं फिर देख रहा हूँ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं से महसूस कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है परमजीत कौन है। आप जानते हो उसको, पम्मी बोलते, पम्मी आपके दाएं बाएं कौन है? वो फैक्ट्री में काम करता है, पापा के, पापा की फैक्ट्री में काम करता है। मतलब पापा यहाँ पे काम करते हैं ना, वहीं पे काम करता है, उसी को जानते हैं। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, काम करते थे। हाँ जी, है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ जी, वहाँ से एक ब्लैक मैजिक शुरू हुआ। मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्लैक मैजिक शुरू हुआ, आपके डैडी ने किसी के साथ खाने पीने में कुछ चीज़ें शेयर किया, बांटा, खाया पिया। हाँ जी, जब भी बीमार हुए थे ना फेब में, उसमें उस टाइम खाया था, खाया था। हाँ जी, फैक्ट्री में खाया था, तभी ये फैक्ट्री में बीमार हुए थे बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। मैं एक फैक्ट्री में एक रजिस्टर लगा हुआ है जहाँ पर एंट्री होती है, और उस एंट्री में मैं इनका एक अंगूठा और एक साइन देख रहा हूँ वहाँ पर, कर्नेल। हाँ जी, कर्नेल सिंह पापा जी। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। ओ मेरे यीशु, अगर परमेश्वर यहाँ है, ये प्रोफेसियां अगर सच्ची हैं, आपके कहाँ से जुड़ा, कहाँ से खाया, कैसे आया, आपको सब बताया। वो इसलिए बताया कि आपकी जानकारी के लिए, कि टल्ले नहीं मारते यहाँ पर, आपको
जो कह रहे हैं वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर वचन के अंदर आपके डैडी को चंगा करेगा, आपका डैडी खुद स्टेज पर आकर गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। नोट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और अगर तू विश्वास करती है तो तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कनाडा जाना चाहती है तू के नहीं? हाँ जी। हालेलुया। मेरे पास एक प्लेन है जो बिना पैसे के भेजा जाता है। बोले हालेलुया। और उसमें तू ब्लेसिंग के साथ बैठने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आज से तेरा पीछा करेगा। पूरे 7 महीने के बाद तू मिठाई का डब्बा लेकर आएगी चर्च में। कनाडा का वीजा लगाओगा यीशु मसीह के नाम में। तू ब्लेस्ड होगी, तेरे सारे घराने में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के नाम में। किसी के पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, आप जानते हो उसको। मम्मी के पास हम दोनों सिस्टर्स हैं। हालेलुया। आपकी माँ को विश्वास दिला रहा हूँ, ये पादरी बजेंदर ऐसे नहीं हंसता, क्योंकि मैं आपके घर में अब से खुशियों की लड़ी देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ तक उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना परमेश्वर ने सारी चीजें बताई उसको, क्या खाया, कहां से जादू टोना हुआ, कितनी बार रिफ्यूजल लगा कनाडा की। आपकी बहने भी जिनके पास बेटियां बेटियां बेटे नहीं है, सारी चीजें जहां से नाम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी लोग यकीन नहीं करते। आप यकीन करो, आज अनॉइंटिंग आपके पास आएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, चुटी मारकर वचन ध्यान से सुन, चमत्कार तेरे लिए आज। सारे बोलो हालेलुया। और पड़ोसी को बोलो, वचन तेरे लिए आज तो चमत्कार भी तेरे लिए आज। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी थाली में कल 5 रोटियां 2 रसगुल्ले और 1 सब्जी रखी होगी। यस। सुनो, वो 2 रसगुल्ले मेरे लिए हैं, बाकी सब आपके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर काम तो करते हैं पर थका थका महसूस करते हैं। कितने लोग ऐसे यहाँ पर जो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं। मैं आज प्रचार के बीच बीच में प्रोफेसियां करूंगा आपके लिए। आमीन। कर सकता हूँ? यस। मैं कह रहा हूँ थके थके, कितने लोग थके थके महसूस कर रहे हैं। जैसे मैं इस बहन की बात कर रहा हूँ, उस भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टैंड अप। हाँ, यस, स्टैंड अप दोनों जने। ये क्या लगता है आपका? हाँ, सच्ची? ठीक है, करी हस्बैंड है। सुनो, माइक ले गया दौड़ के। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये जो अंदर जाते हैं ना पंखे के नीचे बैठते हैं क्वायर, इनको सबको भूस के कोठे बंद कर दो। सुनो, आप हमेशा थके थके महसूस करते हो अपने आप को, पूरी दुनिया करती है। मैं भी प्रचार कर रहा था तो, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक गाड़ी देख रहा हूँ मैं जो थकी थकी सी है, वाइट कलर की एक कार देख रहा हूँ जो थकी थकी सी है। यस पापा। मतलब कि पुरानी थकी थकी सी चलती है। यस पापा। उसके लास्ट में कोई 42 या 92 आता है। यस पापा। प्रोफेसर अभी क्या होगा पता है? तुम्हारे साथ मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम। थकी हुई गाड़ी में अब चर्च नहीं आओगे। तुम मैरिज लाइफ से भी थक चुके हो। सुन रहे हो? बेटा मांगते हो ना? यस पापा। आप बहुत बार हाथ उठाते हो, ब्लेसिंग नहीं मिलता। yes. दोनों जने हाथ पकड़ लो आज और ऊपर करो यीशु के नाम में। yes. परमेश्वर ये गवाही तेरे सामने, तेरे लाखों लोगों के सामने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बने यीशु मसीह के नाम में। yes. आप कंसीव करेंगे, अब गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और आपका पति एक नई गाड़ी के साथ आएगा चर्च। हाँ, विश्वास कर बैठ जाओ। शाबाश, बोलो आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप कमाते तो हैं लेकिन आप थके हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर। कितने लोग थक जाते हैं, रोटियां पोते पोते औरतें थकती हैं कि नहीं?
पोएगी और थोड़ी देर बाद थक जाएगी। अगर घर में दो जन है उसके लिए पहुंच सकती है, अगर घर में उसका पति पांच सात दोस्त ले आए तो उसको पावर चाहिए, थोड़ी पावर चाहिए कि नहीं? या तो वो बोल बोल के पावर करती रहेगी, मुस्टंडा जा पता नहीं किन्ने ले आया, वो बोल बोल के पावर लेती रहेगी। कुछ लोग बोल बोल के पावर लेते रहते हैं, डंगर जा शराबी जा नशेड़ी जा, एनु पता नहीं लगता मैं किड़े खानदान दिया, मैं छड़ के चली जावांगी तेनू। पावर चाहते हैं लोग आज, हालेलुया। आप कैसी पावर चाहते हैं मुझे नहीं पता, आप काम करते हैं, हर इंसान के पास पावर है, सुन रहे हो? आपके शरीर को खाना पचाने के लिए आपके लीवर को पावर चाहिए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आपके शरीर को भी ज्यादा काम करने के लिए टॉनिक चाहिए, चाहिए कि नहीं? कोई टैबलेट चाहिए, पावर चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, अद्भुत चीजें देखने के लिए, आपके पास वो आंख नहीं है जिसको आप 5 दिन में 5 करोड़ की कोठी देख लो, आप अपनी नहीं देख सकते। जब सुपर नेचुरल पावर आती है, कह रहे हैं जब हमारे हमारी आत्मा अनॉइंटिंग को रिसीव करती है, तब हम मिराकल चमत्कार वाली चीजें देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं वो पावर दिलाकर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम yes, में। क्या आप चाहते हैं वो पावर? yes. खाना खाने के लिए लीवर को पावर चाहिए, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए हमारी आंखों को पावर चाहिए। कई लोग बाइबल पढ़ने बैठते हैं, हाँ मम्मी आमीन आमीन शुरू हो जाता है, नींद आती है। कितनों को नींद आती है, हाथ उठा के बताओ, कितने नींद में लेते हैं? सारा चर्च को बेइज्जती करा रहा है। सुनो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ बंधन होते हैं, तोड़ने के लिए पावर चाहिए होती है, समझ रहे हैं? अगर आपको गाड़ी चलाते हुए, एक आदमी को गाड़ी चलाते हुए नींद आती थी, और मैंने उसको 2 बार कहा मेरे चर्च आया कर, मैं उस समय करनाल में था, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन मोटरसाइकिल चला रहा था और उसको नींद आ गई और ट्रक के नीचे घुस गया, चारों टायर उसके नीचे से निकल गए, बच गया वो आदमी। मोटरसाइकिल का कुछ उम्र हो गया, फिर भी बेशरम चर्च में नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे बच गया? क्या था? ऊपर वाले ने बचा लिया। मैंने कहा कोई पावर थी जो तुझे बचा कर गई? yes. उसने फिर नहीं मेरी मानी। फिर अगली बार उसने मोटरसाइकिल छोड़ के, उसने कहा यार मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे घुस जाती है। उसने कार ले ली, कार में जाना शुरू कर दिया अपनी, मंडी में वो आड़त का काम करता था, और यानी कार लेके जा रहा था, उसको नींद आ गई। और जब उसको नींद आई तो कार तो नीचे नहीं घुसी, ट्रक के साथ टक्कर मार दी और वो मर गया। कुछ लोग अपनी जिंदगी में जानते हुए भी पावर को रिसीव नहीं करते। याद रखना यीशु मसीह एक सुपर नेचुरल पावर है, वो आज आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, जो आपको जिंदगियां देता है, जो आपको बढ़ोतरी देता है, जो आपकी उम्र को लंबा करता है, आपको आशीष देता है। लेकिन वो पावर आएगी कैसे आज? बोलो हालेलुया। कैसे आएगी वो पावर? कितने लोगों को सुपर नेचुरल पावर चाहिए? ये कह रहे हैं चमत्कार। सब चर्च में आते हैं और बोलते हैं पापा चमत्कार कर दो मेरे वास्ते, मेरा प्यों पैरालाइज्ड है, पेशेंट है, नु खड़ा कर दो। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की।